नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं अपने टेरेस के 21 प्लस फूटिंग प्लांट के बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए वीडियो बना रही हूँ। पिछली वीडियो में पार्ट वन में मैंने आपको 10 फ्रूटिंग प्लांट की जानकारी दी थी और उस समय मैं बाकी के फ्रूटिंग प्लांट की जानकारी नहीं दे पाई थी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो मैंने उसका पार्ट वन बनाया था और आज मैं पार्ट टू बना रही हूँ। इसमें मैंने बाकी के बचे हुए फ्रूटिंग प्लांट की जानकारी मैं दे रही हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और बहुत सारे ऐसे फ्रूटिंग प्लांट की भी मैं जानकारी दूंगी जिसे मैंने अपने पॉट में लगाया हुआ है, जो कि रेयर फ्रूट प्लांट हैं, जो मार्केट में नहीं मिलते हैं वो फ्रूट, उन्हें हम अपने घर में अपने पॉट में लगा कर ही उसका आनंद ले सकते हैं। तो ऐसे फ्रूटिंग प्लांट के बारे में भी मैं बताऊँगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बाकी के मेरे बचे हुए फ्रूटिंग प्लांट के बारे में जानकारी। दोस्तों मेरे पास 5 गुआभा के प्लांट हैं। 3 गुआभा के प्लांट मैंने पार्ट वन में दिखलाया था, एक नॉर्मल गुआभा जो मेरे घर में 5 साल से है और वो काफ़ी मीठा होता है। दूसरा मैंने इलाहाबादी गुआभा के बारे में बताया था जिसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और तीसरा मैंने रेड चाइनीज ब्लैक चाइनीज गुआभा के की जानकारी दी थी, उसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और अब ये एक चौथा प्लांट है गुआभा का, जो कि थाई गुआभा है, ताइवान गुआभा है, और आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। 4 साल से मेरे घर में है और मैंने मिड जनवरी में इसकी रिपोर्टिंग की थी क्योंकि उसके पहले बहुत सारी कलियाँ लगी थी लेकिन वो ग्रोथ नहीं हो रहा था क्योंकि बुरी तरह से रूट बाउंड हो गया था। और तब मैंने मिड जनवरी में इसकी रिपोर्टिंग की और अब आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी ग्रोथ है और कितने सारे इसमें कलियाँ बनी हुई है। आप देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी इनके हर ब्रांच में लगभग इसमें कलियाँ बनी हुई है। तो आप देखिए कि कितने अच्छे से ग्रोथ हो रहा है इस प्लांट का। तो ये एक ताइवान गुआभा है और नेक्स्ट गुआभा मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ। और इसकी मैंने जब रिपोर्टिंग की थी तो मैंने इसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र डाला था ये भी मैं इसमें बताऊँगी। और इसके पहले मैंने इसकी जानकारी दी थी कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र मैंने इसे डाला था और इसके लिए पॉटिंग मिक्स कैसी बनाई थी। दोस्तों आप मेरे चैनल पर विज़िट करके इसे देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि कैसे गुआभा की देखभाल की जाती है। तो नेक्स्ट गुआभा मैं दिखलाती हूँ, रेड गुआभा। ये देखिए दोस्तों, मैंने जनवरी में लाकर इसे लगाया था, तब ये बिल्कुल एक डंडी की तरह था और इसमें 2-4 पत्ते बस थे, वो भी सूखे सूखे से। लेकिन अब देखिए 2 महीने में ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है और ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और मुझे अभी तो इसमें फलने का समय नहीं है लेकिन ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, तो हो सकता है कि गर्मी में इसमें फ्रूटिंग हो। नेक्स्ट प्लांट है जामुन का। दोस्तों जामुन का प्लांट मुझे लगाने का बहुत ही मन था और मैंने नर्सरी से लाकर इसे ग्राफ्टेड पौधा लगाया। आप देखिए यहाँ पर इसका ग्राफ्ट है और ये बहुत ही अच्छे से बढ़ रहा है। दोस्तों जामुन का टाइम आ रहा है तो हो सकता है कि इस बार इसमें फ्लावरिंग हो और फ्रूटिंग हो। तो ये दोस्तों आप काउंट करते जाइएगा कि कितने प्लांट मैंने आपको लोगों को दिखला दिए। 10 मैंने पिछले वीडियो में दिखलाए, तो ये अभी तीसरा ये प्लांट है, मतलब 13वां प्लांट है ये जामुन का। और इन सब के लिए कैसी मिट्टी बनानी चाहिए, इन सब की मैंने जानकारी भी अपने चैनल पर दिया हुआ है। नेक्स्ट प्लांट है बारबाडोस चेरी का। देखिए दोस्तों, फ्रेश चेरी भी मार्केट में नहीं मिलता है, आपको सूखे फॉर्म में मिल जाएगा लेकिन फ्रेश चेरी जो होता है वो मार्केट में हमारे यहाँ तो नहीं मिलता है। आपके यहाँ पता नहीं मिलता होगा लेकिन हमारे यहाँ नहीं मिलता है और हम बहुत ही आसानी से इसे गमले में लगा करके और फ्रेश चेरी फ्रूट को पा सकते हैं। देखिए मैंने जब इसे लाया था तो इसमें इतने पत्ते भी नहीं थे और इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं थी, तो मैंने कहीं कहीं से इसे कट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ कट किया है, मैंने इसे यहाँ भी कट किया है और यहाँ कट कर दिया था, तो अब यहाँ से ग्रोथ निकल आई है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। आप देखिए यहाँ भी और मैंने इसे 12 इंच के पॉट में लगाया हुआ है, तो ये देखिए कितने अच्छे से ये इसमें ग्रोथ हो रही है और समय आने पर, मैच्योर होने पर इसमें फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। तो दोस्तों आप भी अपने घर में बारबाडोस चेरी की प्रजाति का ही आप प्लांट लाएंगे तो अच्छे से फलेगा। ये काफ़ी मीठे भी होते हैं और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं, तो आप ये ला करके अपने टेरेस पर लगा सकते हैं। दोस्तों ये देखिए आंवला का पौधा है, ये कितने खूबसूरत इसके पत्ते हैं। आंवला इसमें फलेगा या नहीं फलेगा मुझे नहीं मालूम है, मैं तो पूजा के पर्पज़ से लगाई हूँ लेकिन इसके पत्ते इतने खूबसूरत हैं कि मेरे गार्डन की शोभा बढ़ा देते हैं। तो ये प्लांट भी आप ला करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं कंटेनर में। और देखिए रूट
कितने अच्छे कितने मैच्योर पौधे हैं। मैं समय समय पर इनकी कटिंग करती रहती हूँ और जहाँ भी वीड्स निकलता है मैं उसे भी निकाल देती हूँ दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे से ये कंटेनर में लग जाता है। देखिए दोस्तों, ये है बेलपत्र का पौधा, ये मैंने बीज से ही लगाया था और काफ़ी अच्छे से 4-5 सालों से मेरे पास है। अभी देखिए नीचे से नए नए और भी प्लांट और ब्रांचेस प्लांट निकल रहे हैं और ये खूब अच्छे से बढ़ रहे हैं। कब फलेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन तब तक मैं बेलपत्र का तो उपयोग कर ही लेती हूँ पूजा पर चढ़ाने के लिए और काफ़ी अच्छे हरे भरे हो गए हैं। देखिए दोस्तों, अनार भी अपसेट होने लगा है, आप देख रहे हैं, और फिर से कई सारे जब बारिश होने के बाद कई सारे इसमें कई सारी कलियाँ आने लगी हैं, आप देख लीजिए यहाँ भी कई सारी कलियाँ इसमें आ रही है और कई कहीं कहीं फ्रूट भी सेट हो गए हैं। यहाँ भी आप देखिए ये फ्रूट सेट हो गया है। तो मैं इसी तरह से आपको अपडेट भी देती रहूँगी कि पिछले फ्रूटिंग प्लांट के बारे में जो मैंने जानकारी दी थी, जो दिखाया था, उसमें अब फ्रूट किस तरह से बन रहे हैं। तो नेक्स्ट फ्रूटिंग प्लांट है ये आम, जिसे मैंने बीज से लगाया था। मुझे तो आशा नहीं है कि अभी फलेगा, 2-3 साल और उसे लगेगा। ये मालदा आम है और ये काफ़ी मैच्योर हो गया है। ये देखिए दोस्तों, ये है स्टार फ्रूट का प्लांट, हालांकि काफ़ी छोटा है लेकिन इसमें काफ़ी ग्रोथ हो रही है। जाड़े में जब मैं इसे लाई थी तो इसमें 2 फ्रूट लगे हुए थे और बाद में ये डोरमेंट हो गए तो बिल्कुल सूख गए थे, लेकिन अब इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, आप देखिए। और ये है एप्पल बेर का पौधा, इसमें भी काफ़ी बढ़ गई, इनकी लंबाई काफ़ी बढ़ गई है। और मैंने यहाँ टमाटर लगा दिया है, कुछ समय के बाद 1 सप्ताह के बाद मैं टमाटर निकाल दूँगी, आप देखिए बहुत अच्छे से इनकी भी ग्रोथ हो रही है। दोस्तों, बारिश होने के कारण देखिए मेरे मौसमी में से 2 मौसमी फिर से यहाँ टूट कर गिर गए हैं और यहाँ भी एक गिरे हुए हैं। काफ़ी बारिश हो रही है और बारिश के कारण ये गिर रहे हैं। अभी 1 मौसमी लगा हुआ है, आप दोस्तों देख रहे हैं, और छोटे छोटे यहाँ पर बर्ड्स भी आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत करीब से आप देख सकेंगे यहाँ पर आ रहे हैं और नई ग्रोथ शुरू हो रही है। हो सकता है फिर से फ्लावरिंग हो और कुछ और मौसम में इसमें लग जाए। ये गिरे हुए मौसम में को देख कर मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, बारिश के कारण ऐसा हो रहा है। ब्लैक चाइनीज़ गुआवा में देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये गुआवा के फ्लावर्स, और इतने सारे बर्ड्स इसमें लगे हुए हैं। तो देखती हूँ फ्रूट इसमें सेट हो पाते हैं या नहीं। बहुत सारी कलियाँ हैं इसमें, देखिए दोस्तों इधर भी आप देखिए कितनी सारी कलियाँ लगी हुई है और ये एक साथ 2-3 फूल खिले हुए हैं। नीचे भी फूल खिले हुए और यहाँ भी, और इलाहाबादी अमरूद में भी देख सकते हैं कि एक साथ 3 फूल यहाँ पर खिले हुए हैं, जिसे मैंने फर्स्ट पार्ट में दिखलाया था। और यहाँ भी इनकी कलियाँ लगी हुई हैं और ये एक प्लांट और गुआवा का है, इनकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। देखिए दोस्तों, ये है नेक्स्ट पौधा है मेरा करौंदे का, जिसे कनौदा भी कहा जाता है, और मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये मार्केट में नहीं मिलते हैं। बहुत पहले हमने इस फल को खाया था लेकिन अब ये फल नहीं मिलते हैं, तो इसलिए मैंने इसे लगाया और लोकल नर्सरी में मुझे 50 या 60 रुपीज़ में ये प्लांट मिला था और मैंने इसे लगाया था। उस समय इसमें 2-4 पत्ते ही थे, लेकिन अब देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। देखिए इसके फूल यहाँ निकल आए हैं और मुझे लगता है कि यहाँ भी छोटे छोटे से कुछ फूल कलियाँ बनने वाली हैं। और उसके नीचे भी यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि कल नहीं दिख रहा होगा, बहुत ही अंदर में है, तो इनके यहाँ भी कलियाँ बनने वाली हैं। तो अब देखिए इनमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, और ये सारे फ्रूट्स जो हैं ये मार्केट में नहीं मिलते हैं, इसलिए मैंने इसे लगाया है दोस्तों। तो आप भी बहुत ही आसानी से ऐसे फ्रूट को अपने घर में लगा सकते हैं, फ्रूटिंग प्लांट को, और ले सकते हैं। तो ये भी आप बहुत ही आसानी से लगने वाला है। और नेक्स्ट प्लांट है मलबरी का, जिसे तूत या शहतूत भी कहते हैं। ये देखिए, मैंने इसे ग्राफ्टेड पौधा लिया है और इसे लगाया था, और अब देखिए इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में इसकी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और क्योंकि ये सारे जो फल हैं, करौंदा है या बारबाडोस चेरी है या शहतूत है, ये सारे मार्केट में नहीं मिलते हैं फ्रेश फ्रूट के रूप में, तो अपने घर में आप गमले में लगा लेते हैं और 2-4 फल भी आपको मिल जाते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी यदि मैं इनसे 2-4 फल भी ले लूँगी। वैसे तो काफ़ी हेवी फ्रूटिंग करते हैं,
चाहे बारबाडोस चेरी हो या शहतूत हो या फिर करौंदा हो, बहुत हेवी फ्रूटिंग होती है इनके प्लांट पे। तो आप जब भी इन्हें लगाएंगे तो बस थोड़ी सी देखभाल चाहिए और बहुत अच्छी फ्रूटिंग आप इनसे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट प्लांट है जिसे आप अपने घर में अपने टेरेस गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और उसी के साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे पास पहले से एक चेरी का चीकू का पौधा था जो कि किस वेराइटी का था मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार मैं काला पत्ती चीकू लेकर आई हूँ। दोस्तों देखिए कितना अच्छा और हेल्दी प्लांट है, प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी और सभी में फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो ये काला पत्ती है यानी कि थाई चीकू है और इसे मैं इस बार फिर से इसे मैं अपने गार्डन में इधर रिसेंटली ऐड की हूँ। और जब मैं इसके मैं लेकर नर्सरी से आई हूँ तो मैंने अभी इसे लगाया भी नहीं है गमले में। देखिए यहाँ से ग्राफ्टिंग किया हुआ है, मैं जब इसे लगाऊंगी अपने पॉट में तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसकी मिट्टी मुझे कैसी बनानी है, कौन कौन से खाद ऐड करने हैं और मिट्टी किस प्रोपोर्शन में लेना है। तो देखिए दोस्तों कितने अच्छे ये प्लांट लग रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और मुझे लगता है कि बहुत सारे प्लांट के बारे में बता दिया, लेकिन अभी भी 3-4 प्लांट और बचे हुए हैं तो मैं उनकी भी जानकारी जल्दी जल्दी दे देती हूँ। ग्रेप्स और ब्लैक ग्रेप्स और कस्टर्ड एप्पल के प्लांट मेरे ग्राउंड पे लगे हुए हैं। और ये देखिए दोस्तों ये है बनाना, केले का पौधा, हालांकि मैंने पूजा के पर्पज़ से लगाया है लेकिन ये भी मेरे कंटेनर में लगे हुए हैं और मैं कोशिश करूँगी कि इसमें फल भी लग सके। मेरे पास चीकू का एक और ये प्लांट है जो पहले से है, मैंने रिपोर्टिंग की थी और वो अपने पुराने पत्ते गिरा रहे हैं और नई ग्रोथ इनमें स्टार्ट हो गई है। देखिए इस अनार में भी फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों आशा है मैंने इस वीडियो में अपने सारे फ्रूट प्लांट की जानकारी आप लोगों को दे दी है। जब अंगूर और कस्टर्ड एप्पल फलेगा तो उसका भी अपडेट मैं ज़रूर दूंगी और साथ ही साथ इन सारे फ्रूटिंग प्लांट पर जब फ्रूट लगेंगे तो उसका भी अपडेट दूँगी। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। थैंक यू।